नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। झारखंड की आज की सबसे बड़ी खबर, अभी कुछ देर पहले 5 बजे झारखंड के सीएम के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। हेमंत सोरेन का यह दूसरी बार शपथ ग्रहण है मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में। वैसे अभी तक वो 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में शपथ ले चुके हैं और इसके पहले अर्जुन मुंडा और उनके पिता शिबू सोरेन को यह मौका मिला है, जिन्होंने 3-3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हेमंत सोरेन के लिए मुख्यमंत्री बनने का राह उसी दिन आसान हो गया था जब उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 28 जून को उनको जमानत मिली थी और महज 5 दिनों के अंदर ही घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि पहले ये माना जा रहा था कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे, लेकिन कुछ सुझाव हेमंत सोरेन को ऐसे मिले कि दो चेहरों को लेकर के विधानसभा चुनाव मैदान में जाना उचित नहीं होगा, लोगों में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए चंपई सोरेन को जितनी जल्दी हो मुक्त कर दिया जाए, उन्हें दूसरी जिम्मेवारी दी जाए और एक ही चेहरा झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए हो और वह होना चाहिए हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन को भी ये बात जची। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, लोगों के कन्फ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने आनन फानन में बुधवार को बैठक बुलाई विधायकों की और विधायकों की बैठक में यह तय हुआ कि हेमंत सोरेन ही नेता होंगे हमारे और अगले मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद सब लोग राजभवन गए, शाम में राज्यपाल से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि हेमंत सोरेन 7 जुलाई को सीएम पद की शपथ लेंगे। आज दिन में भी जब राजभवन में इंडिया ब्लॉक के विधायक गए थे, नेता पहुंचे थे, उस समय भी यही बात आई, यहां तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने ऑफिशियली ब्रीफ किया मीडिया को कि शपथ ग्रहण 7 जुलाई को ही होगा, इसकी विस्तृत जानकारी कल जारी कर दी जाएगी। लेकिन घटनाक्रम कैसे बदला ये तो अब वही लोग जाने। अचानक तय हुआ कि शाम 5 बजे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और अंततः उन्होंने शपथ ले ली। आज से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन अब जाने जाएंगे और उनका दावा है कि बचे हुए कामों में तेजी से वो काम करेंगे और पूरा करेंगे उन कामों को, लोगों को लाभ पहुंचाएंगे और हर हाल में झारखंड में बीजेपी को परास्त करने की अपनी रणनीति पर काम करेंगे। अब सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन जमानत पर हैं। पहली बार जब ईडी ने उन्हें जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया था तो गिरफ्तारी के बाद 5 महीने तक वो जेल में रहे, उसी क्रम में चंपई सोरेन को उनकी गद्दी संभालने का मौका मिला और जब वो जमानत पर जेल से बाहर आए तो चंपई सोरेन ने अपनी गद्दी उन्हें सौंप दी। कल बड़े आराम से, बड़े शांत मन से चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और लगे हाथ हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया था। 7 तारीख को शपथ लेने की बात इसलिए हुई थी, एक आग्रह भी किया था लोगों ने राज्यपाल से कि रथ यात्रा उस दिन है और रथ यात्रा के पहले प्रहर में यानी फर्स्ट हाफ में अगर हेमंत सोरेन को शपथ दिला दी जाती है तो रथ यात्रा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। लेकिन इस बीच में चीजें बदली हैं, संभव है कि राजभवन को वह समय सूट नहीं कर रहा होगा, इसलिए आज ही की तारीख राजभवन से मिल गई और शाम 5 बजे का समय मिल गया। हड़बड़ी में सारे लोग भागे भागे राजभवन पहुंचे। दूसरी बार आज दिन में दूसरी बार राजभवन जाना हुआ इंडिया ब्लॉक के विधायकों का, नेताओं का, और शपथ ग्रहण भी संपन्न हो गया। हेमंत सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में वो जाएंगे, मुख्यमंत्री के रूप में जाएंगे, अपना वादा कितना पूरा करेंगे। इस बीच में जो 4 महीने का समय उनके पास है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, इसी बीच में उन्हें
चुनावी रणनीति बनानी है, दौरे करने हैं, सरकारी काम करना है, बचे हुए जो टास्क उनको दिख रहे हैं जिसको तेजी से पूरा करने का वो दावा कर रहे हैं वह भी करना है। इन सारी चीजों को करने के बाद हेमंत सोरेन को फिर से सत्ता वापस पाने की भी एक बेचैनी होगी, एक उतावलापन होगा उनके मन में, एक भाव भी होगा और उन्हें इसके लिए काम करना होगा। तो आज इतना ही, चूंकि पहला दिन है, आज शपथ ग्रहण है, कोई बड़ा सवाल उनके ऊपर नहीं, लेकिन एक खतरा जो उनके सिर पर अभी भी बना हुआ है कि ईडी अगर सुप्रीम कोर्ट में बेल के खिलाफ अपील करती है और सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई प्रतिकूल फैसला आता है, वैसे स्थिति में हेमंत सोरेन का क्या होगा। वैसे अदालतों के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब सुनवाई होगी, कैसे होगी। हेमंत सोरेन को ही खुद अपनी जमानत के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, इतनी जगह दौड़ भाग करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट जाना पड़ा, अंततः उन्हें जमानत मिल गई। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सोरेन का यह कार्यकाल बेहतर ढंग से संपन्न होगा, कोई विवाद नहीं होगा। अगर विवाद की स्थिति बनेगी भी तो विधानसभा चुनाव तक वो टली रह जाए ताकि इनका कार्यकाल पूरा हो जाए। और एक तरह से देखें तो पूरा कार्यकाल उन्होंने निभा भी लिया है मुख्यमंत्री के रूप में, सिर्फ 5 महीने को अपवाद छोड़ दे जिसमें वो जेल में थे, तो उनका 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया। यानी एक व्यवधान पर पूरा कार्यकाल जिन लोगों का हुआ है उसमें रघुवर दास एकमात्र मुख्यमंत्री रहे भाजपा के जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। दूसरी बार 5 महीने के व्यवधान के बाद हेमंत सोरेन अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन व्यवधान तो आ गया इसलिए नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कार्यकाल अगर माने तो रघुवर दास के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का ही होगा। तो कल हम लोग जब बात करेंगे तो हेमंत सोरेन के एजेंडे क्या होंगे, उनको किन किन परेशानियों से रूबरू होना पड़ेगा, ये सब चीजों को लेके हम आपके साथ फिर आएंगे, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए।